खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां जिला भाजपा नारायणपुर की ओर से रविवार को नगर के ज्वस्तंभ चौक पर भाजपा नेता बुद्धराम कटराम नीलकंठ कक्केम सागर साहू और रामघर अलामी की निर्मम हत्या को राज्य सरकार की विफलता बताते हुए विरोध में मौन धरना देकर मशाल रैली निकाली गई। राजधानी रायपुर बिलासपुर दुर्ग समेत सभी जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर हत्याओं को साजिश करार दिया। पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। नारायणपुर जिले में शुक्रवार 10 फरवरी की रात नक्सलियों ने भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने वारदात को अंजाम दिया था। जगदलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रवास था। नारायणपुर के बीजेपी नेता सागर साहू की घटना सुनकर जेपी नड्डा बीजेपी नेता सागर साहू को श्रद्धांजलि देने नारायणपुर पहुंचे थे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, केदार कश्यप और महेश जांगड़ा भी थे। मीडिया को दिए बयान में पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भूपेश सरकार की आक्रमणीयता के चलते बस्तर सहित पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार सुनियोजित ढंग से भाजपा नेताओं को टारगेट कर उनकी निर्मम हत्या हो रही है। कांग्रेस सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस सरकार के इशारे पर बस्तर संभाग के अनेक पूर्व जनप्रतिनिधि और नेताओं की सुरक्षा कहीं कम की जा रही है तो कहीं हटा दी गई है। देखिए, जिस तरीके से पूरे बस्तर में हमारे नेताओं की सुनियोजित तरीके से हत्या हो रही है और जिस तरीके से सुरक्षा की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, एक महीने के भीतर में 4 से ऊपर कहते हैं हत्या हो चुकी है और कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। कहीं न कहीं से ये पूरा जो घटनाक्रम है ये राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है। पहले कहते हैं हमारे बुद्धराम कटम जो जिला मंत्री हैं उनकी हत्या होती है, उसके बाद हमारे कहते हैं उसूर के मंडल अध्यक्ष नीलकंठ के कम की हत्या होती है, कल परसों सागर साहू जो यहाँ के जिला के उपाध्यक्ष थे नारायणपुर के उनकी हत्या होती है, उसी तरह से टीका मेटा के जो कहते हैं पूर्व के सरपंच हैं उनकी कहते हैं कल हत्या होती है। तो कहीं ना कहीं से सरकार इन सब मामलों को दबाने में लगी हुई है। सरकार उन लोगों की सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने कभी हमारी पार्टी ने कभी व्यक्ति या पार्टी को नहीं देखा बल्कि सुरक्षा को पहले महत्वपूर्ण स्थान दिया। और कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से ये व्यक्ति और पार्टी को देख रही है, उसके आधार पर ये सुरक्षा मुहैया करा रही है। हमारे कई नेता जो कहते हैं उन लोग जो टारगेटेड हैं उनको सारे के उन लोगों की सुरक्षा को हटाया गया है या फिर एक टाइमिंग में कहते हैं सुरक्षा देना सुनिश्चित किया है कि 10 बजे से लेकर 4 बजे या 5 बजे तक। तो ये स्थिति यहाँ इस प्रदेश में है। कांग्रेस के सरकार में बैठे हुए लोग आज हमारे जो नेता लोगों की जो हत्या हो रही है उस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं से उनकी साजिश हो सकती है और कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं से इन सब मामलों में आज हमारे नेताओं को ये कहते हैं कि अगला टारगेट कौन है ये भी हमको मालूम है। तो इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं से इन सब के पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है।